गौतम गंभीर एंड कंपनी ने इन पांच खिलाड़ियों के साथ सरी से नाइंसाफी करी है। कौन है वो पांच खिलाड़ी, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच में पांच मैचेस की टी20 सीरीज अब खत्म हो चुकी है। 4-1 से टीम इंडिया ने सीरीज को अपना बना लिया था। अब श्रीलंका दौरा शुरू हो जाएगा भारत का 27 जुलाई से, जहां पर श्रीलंका के खिलाफ टी20 और ओडीआई मैचेस की सीरीज हमने खेलनी है। टीम इंडिया ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जिन अटकलों पर सभी लोग बात कर रहे थे वो अटकलें अब खत्म हो चुकी हैं। सूर्यकुमार यादव को टी20 का कप्तान बना दिया गया है। शुभमन गिल को ओडीआई और टी20 दोनों का वाइस कैप्टन बना दिया गया है। ऑल इन ऑल हार्दिक पांड्या का पत्ता जो है कप्तानी और उपकप्तानी दोनों से कट चुका है। लेकिन ऐसे पांच खिलाड़ी कौन से हैं जिनका गौतम गंभीर ने बहुत ही ज्यादा खराब किया, मतलब गौतम गंभीर ने इनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय करा है। वो पांच खिलाड़ियों में से सबसे पहला नाम आता है ऋतुराज गायकवाड़ का। ये वही है जिन्होंने अभी जिम्बाब्वे दौरे में लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से 133 रन बनाए थे और शानदार परफॉर्म किया था। ऋतुराज गायकवाड़ को न सिर्फ टी20 स्क्वाड में बल्कि ओडीआई स्क्वाड में भी जगह नहीं मिली है। दूसरा नाम आता है अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा एक शतक लगा चुके हैं जिम्बाब्वे दौरे में और बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया था। सर पे कफन बांधकर बल्लेबाजी करी थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से। उनका भी जगह नहीं बन पाई है ना टी20 ना ओडीआई स्क्वाड पे। तीसरा नाम है संजू सैमसन। अब आप सोच रहे होंगे कि संजू सैमसन का नाम तो स्क्वाड में मौजूद है, लेकिन संजू का नाम टी20 स्क्वाड में है, ओडीआई स्क्वाड में नहीं है। जबकि संजू ने जो आखिरी ओडीआई मैच खेला था अपना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वहां पर उन्होंने शतक बनाया था। टी20 से बेहतर वो प्लेयर ओडीआईस के हैं और में उनका नाम नहीं है। तो तीसरे खिलाड़ी हैं संजू। उसके बाद चौथे खिलाड़ी और पांचवे खिलाड़ी के रूप में मौजूद हैं आवेश खान और मुकेश कुमार। इन दोनों ही तेज गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में कमाल करा था। आवेश खान ने लगभग 7 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करी है पूरे जिम्बाब्वे दौरे में और मुकेश कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, खासकर कि पिछले 2 मैचेस में जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो इन दोनों खिलाड़ियों को भी मौका नहीं दिया गया है। अब सोचिए इन पांच खिलाड़ियों के साथ गौतम गंभीर एंड कंपनी ने अन्याय करा है, चाहे अभिषेक हो चाहे संजू हो चाहे ऋतुराज हो। ऋतुराज को आपने 4 नंबर पर खिलाया जबकि वो ओपनर थे जिम्बाब्वे दौरे में। तो इन पांचों खिलाड़ियों में से सबसे ज्यादा आप किसको मिस करने वाले हैं मुझे जरूर बताइए, और सबसे ज्यादा काबिलियत कौन रखता है स्क्वाड में आने की ये भी जरूर बताइए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।